हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे WBM के बारे में। दोस्तों, WBM स्टैंड्स फॉर वाटर बाउंड मैकडम। दोस्तों, इस टाइप की रोड की पायोनियर थे स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लाउडन मैकडम अराउंड 1812। फ्रेंड्स, WBM क्या है? दोस्तों, मैकडम मीन्स द पेवमेंट बेस कोर्स मेड ऑफ क्रास्ट और ब्रोकन एग्रीगेट मैकेनिकली इंटरलॉक्ड by rolling and the voids filled with the screening and binding material with the assistance of water। दोस्तों, अगर सिंपली हम लोग बोले तो इस तरीके की रोड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोकन और क्रश स्टोन, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट के साथ हम लोग डालते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल, जिसको हम लोग फिलर भी कहते हैं, और इसके साथ हम लोग डालते हैं बाइंडिंग मटेरियल। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एडिक्वेट वाटर देते हैं एंड रोलिंग करते हैं, और इसके सहारे हम लोग एक अच्छी तरीके की रोड WBM बना लेते हैं। दोस्तों, वाटर बाउंड मैकडम में सब बेस, बेस और सरफेस कोर्स होता है। द थिकनेस ऑफ ईच कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ WBM रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, जो WBM रोड होता है, इसकी हर एक लेयर की थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। अब दोस्तों, बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड्स फॉर WBM रोड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, WBM रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। पहला है कोर्स एग्रीगेट, जैसे कि आपका क्रश स्टोन। दूसरा है स्क्रीनिंग मटेरियल, इसको हम लोग फिलर मटेरियल भी कहते हैं। दोस्तों, जो कोर्स एग्रीगेट होता है, आफ्टर कॉम्पैक्शन इसमें कुछ वॉइड्स रह जाता है, तो इसको फिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिलर मटेरियल, और इसको हम लोग स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तीसरा है बाइंडिंग मटेरियल, जो कोर्स एग्रीगेट एंड फिलर मटेरियल है, इसको बाइंड करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कोर्स एग्रीगेट, किस क्वालिटी की कोर्स एग्रीगेट हम लोग WBM रोड में यूज कर सकते हैं। तो इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, ए हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। द कोर्स एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लैकी एंड इलोंगेटेड पार्टिकल, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। द कोर्स एग्रीगेट शुड बी एक्सेप्टेबल शेप एंड साइज, जो कोर्स एग्रीगेट है वो आपका एक्सेप्टेबल शेप एंड साइज में होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, आफ्टर कॉम्पैक्शन इसमें रह जाता है कुछ वॉइड, तो इस वॉइड स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल। स्क्रीनिंग मटेरियल्स आर नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर साइज देन द कोर्स एग्रीगेट। जो फिलर मटेरियल होता है, उसको हम लोग डिराइव करते हैं कोर्स एग्रीगेट से, बट इसका साइज कोर्स एग्रीगेट से स्मॉलर होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट of WBM, IRC has recommended to use non-plastic material such as कंकर, मोरम और ग्रेवल। दोस्तों, स्क्रीनिंग मटेरियल के तौर पे हम लोग कंकर, मोरम और ग्रेवल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं बाइंडिंग मटेरियल। जैसे कि मैंने बोला, बाइंडिंग मटेरियल बाइंड करने में हेल्प करता है पार्टिकल्स को। बाइंडिंग मटेरियल्स व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड शुड बी प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय इंजीनियर एंड इट शुड हैव प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू लेस देन 6। इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 6 होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे एक WBM रोड प्रिपेयर करने के लिए कौन सा स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जो पहला स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन फॉर WBM रोड। किसी भी रोड प्रिपेयर करने से पहले जरूरी है उसका फाउंडेशन प्रिपेयर करना। द सब ग्रेड और बेस कोर्स इज प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर द रिक्वायर्ड ग्रेड एंड कैम्बर ऑफ WBM रोड। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप है प्रोविजन फॉर लेटरल कन्फाइनमेंट। दोस्तों, किसी भी WBM रोड बनाने के लिए लेटरल कन्फाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सिंपली हम लोग दोनों साइड कन्फाइनमेंट करते हैं, जिसके वजह से जब हम इधर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स डालते हैं, तो उस लेयर को रिटेन करके रखता है कन्फाइनमेंट। फ्रेंड्स, आप देखिए, थर्ड स्टेप है स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जैसे ही लेटरल कॉन्फाइनमेंट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट और क्रश स्टोन है, इसको हम लोग यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेंगे। द कोर्स एग्रीगेट आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द प्रिपेयर्ड बेस
आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर। जैसे ही शोल्डर बन जाता है उसके बाद हम लोग जो क्रश स्टोन और कोर सेग्रीगेट है इसको हम लोग यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों फोर्थ स्टेप है रोलिंग ऑपरेशन। रोलिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट फॉर कॉम्पैक्टिंग द कोर सेग्रीगेट। जेनरली इट इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्री व्हील्ड पावर रोलर वेइंग 6 to 10 tons और विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी रोलर। दोस्तों जैसे ही हम लोग कोर सेग्रीगेट डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग रोलर यूज करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। हम लोग वाइब्रेटरी रोलर और थ्री व्हील्ड पावर रोलर हम लोग यूज करते हैं जिसका वेट 6 to 10 ton होता है। फ्रेंड्स आप बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। दोस्तों जैसे ही हम लोग कॉम्पैक्ट कर देते हैं कोर सेग्रीगेट को, कोर सेग्रीगेट को कॉम्पैक्ट करने के बाद भी इनमें वॉइड्स रह जाता है, तो इस वॉइड स्पेस को फिलअप करने के लिए हम लोग इनमें स्क्रीनिंग मटेरियल डालते हैं। आफ्टर द रोलिंग ऑपरेशन इज प्रॉपरली फिनिश, स्क्रीनिंग इज अप्लाइड टू प्रॉपरली फिल द वॉइड्स रिमेंड आफ्टर द कॉम्पैक्शन ऑफ एग्रीगेट। द स्क्रीनिंग मे बी अप्लाइड इन 3 or more layers एज पर द साइट कंडीशन। दोस्तों देखते हैं 6th step स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड ग्राउटिंग। जैसे ही हम लोग स्क्रीनिंग मटेरियल डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर अमाउंट में वाटर इसके ऊपर डालेंगे। दोस्तों 7th step है एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। सेम प्रोसीड्योर यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एज दैट ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग्स में जैसे हम लोग स्क्रीनिंग मटेरियल डालते थे, फिलर डालते थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग बाइंडिंग मटेरियल भी डालेंगे और उसके बाद हम लोग वाटर स्प्रिंकल करेंगे एंड रोलिंग ऑपरेशन करेंगे। दोस्तों 8th step है सेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ सर्फिस। आफ्टर द फाइनल रोलिंग ऑपरेशन ऑफ द रोड इज अलाउड टू क्योर और सेट ओवर नाइट द नेक्स्ट डे इफ द डिप्रेशन और वॉइड्स आर विजिबल देन अगेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग और बाइंडिंग मटेरियल्स कैन बी यूज एंड कॉम्पैक्शन इज डन। दोस्तों जैसे ही फाइनल रोलिंग ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ओवरनाइट हम लोग क्योरिंग एंड सेटिंग के लिए इस रोड को छोड़ देंगे। उसके बाद अगर फिर से वॉइड विजिबल हुआ तो हम लोग फिर से स्क्रीनिंग मटेरियल डालेंगे, बाइंडिंग मटेरियल डालेंगे एंड उसके बाद उसको रोलर से कॉम्पैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ WBM रोड। दोस्तों द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ WBM रोड इज कंपैरेटिवली लो। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड नो स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड। स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है। दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ WBM रोड। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ WBM रोड इज हाई। दोस्तों इसको बनाने के लिए खर्चा कम होता है बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। द ओवरऑल लाइफ स्पैन ऑफ दिस रोड इज वेरी लेस। इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम होता है। एज WBM रोड आर परमेबल टू रेन वाटर इट लीड्स सॉफ्टनिंग एंड यील्डिंग ऑफ सब सॉइल। दोस्तों जो WBM रोड है इसका जो टॉप सरफेस है वो उतना वाटर टाइट नहीं होता है, इसके वजह से रेन वाटर रोड के थ्रू सीप करता है और जो सब सॉइल है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसके वजह से जो रोड होता है वो जल्दी डैमेज हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये था WBM रोड के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।